हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल्स एंड डिटरमिनेंट्स देखेंगे। इसके पहले भी मैं आर्टिकल्स के लिए एक वीडियो बनाई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। पॉइंट ऑफ द एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं इस साल 2024 के, कहीं ना कहीं ये पेपर में आपको 5 से 6 नंबर दिला के जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें आपको आर्टिकल्स थियरी प्लस एमसीक्यू मैंने करवाया है। और आज के सेशन में थियरी भी रहेगा और एमसीक्यू भी रहेगा। तो चलिए पहले आर्टिकल्स करेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट्स करेंगे। तो पूछा गया आर्टिकल्स देखिए कहाँ से कितने, पहले क्वेश्चन से लेके 19 तक आपका आर्टिकल्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ठीक है। और आर्टिकल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। टाइप्स कितने होते हैं, थियरी में पढ़ा था यहीं पे। तो आर्टिकल्स आपके होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है। एक एक आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है इनडिफिनिट, ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है, डिफिनिट में आता है आपका 2 आर्टिकल्स आता है, इनडिफिनिट में आता है ए और ए एन आता है, ठीक है। द जो होता है आपका स्पेसिफिक पर्सन के लिए, एनिमल्स थिंग्स के लिए एंड अदर नेमिंग वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। जहां की आपका इनडिफिनिट जो आर्टिकल्स होता है आपका, और ये भी 2 भागों में जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ए और एन। ए जो होता है आपका कंसोनेंट के साथ यूज किया जाता है। कंसोनेंट हमारे कितने होते हैं, तो आपके कंसोनेंट होते हैं 21, ठीक है, और इंग्लिश में, ठीक है। अगर वॉवल्स कितने होते हैं हमारे, वॉवल्स जो होते हैं, वॉवल्स जो होते हैं हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। लिख तो नहीं पा रही माउस से, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बोलती रही हूँ। और अगर आपको ज्यादा फास्ट लगेगा तो वीडियो स्लो करके एक बार दो बार करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली। तो चलिए हम इतना बता दिए। और कंसोनेंट आपके पता ही 21 होता है। और टोटल इंग्लिश के लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पूछा गया, रितु इज डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली, ठीक है, इन डैश फैमिली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रितु एकदम बहुत एक्टिव लड़की है फैमिली में। तो मोस्ट है, मोस्ट के साथ क्या यूज करेंगे हम, द का यूज करेंगे, माने सबसे द, ठीक है। रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आर्टिकल से आप हमेशा 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। आप सभी को पता है कि यहाँ पे आ जाएगा सन आपका एक ही, हजार तो है ना, स्पेसिफिक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, और ईस्ट में ही हमेशा निकलता है, तो यहाँ पे भी बी आ जाएगा, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, समझा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द डैश बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है आपका, बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द डैश बेस्ट पॉलिसी, ये भी हो जाएगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी कंट्री हैज द पार्लियामेंट। एवरी कंट्री के पास क्या है, पार्लियामेंट है। तो पी आपका यहाँ प का साउंड आ रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। यहाँ पे एवरी कंट्री हैज अ पार्लियामेंट, सभी कंट्री के पास अपना पार्लियामेंट, यहाँ की संसद भवन है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंडिया ऑफ द टूडे डिफर्स फ्रॉम डैश इंडिया ऑफ स्टडी, ठीक है, इंडिया स्टडी। द यहाँ पे क्या आ जाएगा, द ऑफ द टूडे डिफर फ्रॉम द इंडिया स्टडी, यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट, डैश एप्पल कार्ट इज द हिस्टोरिकल नोबल। तो देखिए द एप्पल कार्ट, ये स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे द आ जाएगा और हिस्टोरिकल नोबल से ये आपका हो जाएगा, द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल, ठीक है। यहाँ पे ए फिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बॉय मेट डैश मैन विद द एलिफेंट। मैं बॉय, बॉय आपका क्या आर्टिकल्स यहाँ पे मिला, किससे मिला, मैन से, ठीक है। तो यहाँ पे द बॉय मेट, लड़का किससे मिला, एक आदमी से, और किसके साथ, एन एलिफेंट के साथ, ठीक है। ई का साउंड, ई मीन्स क्या था, वॉवल से, इसके इसके साथ एन का यूज करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। कॉपर यू, देखिए यहाँ पे यू दिया है ना, लेकिन यू का साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। ई आई ओ यू, यू का साउंड यू आ रहा है ना यहाँ पे, यू, ये दो का नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही इज द ऑनर टू द इस कंट्री, ठीक है। ऑनर होना लिखा है, लेकिन ऑनर पढ़ते थे, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
ए, यहाँ पे ए एन ऑनर, एच साइलेंट, अगर ओ से पहले एच आएगा तो क्या होगा, पसंद। जैसे आवर, आवर पढ़ते हैं, आवर्स को क्या पढ़ेंगे, आवर, क्योंकि ओ से पहले आपके कुछ रूल्स होते हैं, इस रूल को आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट, ठीक है, तो बच्चों ने क्या पाया, घोंसले में अंडा पाया, एक आसाना एक, यहाँ पे आ जाएगा ए एन, यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका ए एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंग्लिश द इजी लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, द इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश इज द इजी लैंग्वेज, ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सन शाइन्स ब्राइट, सूर्य क्या चमक कर, मैंने धूप है, चमकदार धूप, अगर बोल द सन क्या हो जाएगा, एक ही सूर्य है ना, ऐसा नहीं कि हजारों सूर्य है, यहाँ पे द राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे द, ठीक है, द एंड पीपल क्या है यहाँ पे, ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द ऑफ एंड पीपल ऑफ इंग्लिश, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित इज द अनटाइडी बॉय, अन अ का साउंड, यू किसका साउंड दे रहा, अ का, ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो अ का, तो ये हमारे क्या वॉवल्स है, अ एन, रोहित इज एन अनटाइडी बॉय, ठीक है, रोहित क्या है, एक बोल सकते हैं अनटाइडी, मतलब साफ सुथरा नहीं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अब यू का साउंड आता है, यू आपका किस में चला जाएगा, हिंदी के, हिंदी से हम देखेंगे, ठीक है, यू यू का, तो यूनिवर्सिटी आपका क्या है, यू आपका हो जाएगा आपका हिंदी में आ जाएगा, तो वो आपका कंसोनेंट, इसमें आ जाएगा आपका ए, ठीक है, ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एम ए, ए का साउंड आ रहा है एम ए, यहाँ पे हो जाएगा ही इज एन एम ए, ठीक है, उसने एम ए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रीड्स इन द एच ई स्कूल, एच ई स्कूल, ये भी आपका एन हो जाएगा, ठीक है, जिसे एब्रिविएशन में दिया रहता है ना, तो उसका मतलब आर्टिकल स्पेसिफिक चीज रहता है, ठीक है, एक तरह से मैंने द नहीं लगा तो उसके साथ इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे इज द ओपन माइंडेड, तो अच्छे क्या, ओ का साउंड आ रहा है, अच्छे इज एन ओपन माइंडेड मैन, अच्छे एक खुले विचार वाला आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश गंगा इज डैश हॉलेस्ट हॉलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, द गंगा आ जाएगा यहाँ पे, द गंगा, गंगा किसी नदी का नाम है आपको पता ही है, और हॉलिस्ट, हॉलिस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे पवित्र नदी है इंडिया का, तो हो जाएगा द गंगा, द हॉलिस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए आपका आर्टिकल्स खत्म हो गया, अब यहाँ पे डिटरमिनर, अच्छा डिटरमिनर्स का मीनिंग जो होता है, अगर मैं बात करूँ, ये निर्धारित करता है, क्वांटिटी बताता है, कितनी मात्रा कितने में, ठीक है, निर्धारित करना किसी चीज की क्वांटिटी बताना, ठीक है, तो ये 20 से लेके 35 तक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल डिटरमिनर्स गिवन बिलो द सेंटेंस, तो देखिए, डैश विलेजेस वर वॉश अवे बाय द फ्लड्स, माने बहुत सारे गांव, कितने लोग, कितने गांव में माने बाढ़ आने से बह गए, तो बह गए, वॉश में धोना धोना नहीं होता, इसका मतलब कि बह जाना, कितने, बहुत सारे गांव, मेनी मेनी, ठीक है, बहुत सारे ना, कितने कितने में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर डैश द पैसेंजर इन द सेकेंड क्लास स्लीप कोच, आप लोगों ने मैंने कितने पैसेंजर सेकेंड क्लास स्लीप में कोच में, तो कितने की बात की जा रही है, कितने, बहुत तो होगा नहीं यहाँ पे, ए नहीं, मैंने कोई होगा नहीं, इधर में नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज डैश द ट्रूथ इन द वर्ड से, हाँ सत्य जो भी तुमने कहा होगा, ठीक है, ये बोलते हैं हाँ हाँ चल 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 ठीक है, इसका मतलब कुछ कहा होगा, कुछ भी, ठीक है, थोड़ी मात्रा में जो भी तुमने कहा ना वो बस सत्य, मैं मानता हूँ ये, ठीक है, लिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल, कुछ बुकें या बहुत बुकें, तो कुछ बुकें या बहुत बुकें, तो लिटिल होगा सम, ठीक है, सम बुक क्या होगा, सम बुक ऑन द टेबल पड़ेगी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर्स ब्यूटी इज फॉर ऑफ अस टू द एडमायर, जो नेचर प्रकृति की जो सुंदरता है ना, हम सभी को एडमायर करते हैं, ठीक है, हम सभी के लिए, पर इच ना हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एवरी के लिए, एवरी हो जाएगा, ठीक है, इसको बी डालना चाहिए, सबके लिए। नेक्स्ट, द काउ इज डैश स्केयर्ड एनिमल, जो काउ है ना डरपाकू, क्या है,
कायर एनिमल है, डर जाती है बहुत, हम उसको गौ माता बोलते हैं, ठीक है। द काउ हमारी क्या है, इसके है, ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली डस स्टूडेंट पास द एंट्रेंस टेस्ट, केवल कुछ स्टूडेंट, यहाँ पे एनी मेनी स्टूडेंट पास द एंट्रेंस, तो यहाँ पे केवल 3 स्टूडेंट, ठीक है, केवल कितने स्टूडेंट पास हुए एंट्रेंस में, ओनली 3 स्टूडेंट्स पास द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 क्लब्स हियर एंड डैश क्लब वुड फील द ऑनर टू द हैव द विनोस एज अ मेंबर, यहाँ पे 4 क्लब है और उनमें से कोई एक क्लब का जो ऑनर कौन है, विनोद इसका मेंबर है, यहाँ पे ए नहीं कोई एक हो गया, ठीक है, ये पर्सन सी इज द पहले आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेंबर ऑफ द ग्रुप वॉज गिवेन द ड्राइविंग टेस्ट, और जो इस ग्रुप का मेंबर है ना वो क्या किया, ड्राइविंग टेस्ट उसने दिया, दे रहा है, ठीक है, ड्राइविंग यानी कि ट्रेनिंग दे रहा है, तो राइट आंसर होगा कोई, एनी मीन्स कोई मेंबर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयज आर द अब्सेंट टुडे, माने कितने बॉय, कितने मेनी, क्या हो जाएगा, मेनी मेनी बॉय आर अब्सेंट टुडे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यू कैन बाय डैश पेयर ऑफ द ट्राउजर बोथ ऑफ द देम आर द इक्वली गुड, ना तुम ना खरीद सकते एक पेयर ट्राउजर दो की इक्वल अच्छी उसमें से, तो इनमें से ये खरीद सकते या वो खरीद सकते, बोलते हैं ना इधर या नीधर, कोई नहीं कोई एक खरीद सकते हो, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज टू टायर्ड टू डू वर्क, मैं बहुत थका था इस काम को करने, कोई काम करता हूँ ना मैं थक जाता था, ठीक है, थकता हूँ, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैज द कंट्री आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, बहुत मेनी, ठीक है, बहुत सारी देश जो है ना वॉर के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, मेनी आएगा, ठीक है, मेनी कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज अ पुअर इन स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्लास में मैंने हम कह सकते हैं पुअर डब है, तो कितने डब है ये तो बता ही नहीं रहा है, तो सिंगल एक आधी डब होंगे ना, जो सब क्लास में थोड़ी डब रहता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई हैव रीड डैश बुक इन दिस द लाइब्रेरी, मैंने बुक पढ़ा लाइब्रेरी में, कितने बुक पढ़ा, प्रत्येक बुक पढ़ा, कितने प्रत्येक, ठीक है, एवरी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लीडर्स हु आर सिंसर डू नॉट गेट एनी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क, बहुत सारे अगर मैं बात करूँ कुछ लीडर्स जो होते हैं ना को मौका नहीं मिलता इस काम को करने के लिए, ठीक है, जो सेंसर है यहाँ पे हो जाएगा डी सेंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।